नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरट आई ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, आरट आई ड्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और आरट आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आरट आई ड्रॉप का उपयोग आँखों में सूखापन यानी आँखों की ड्राइनेस को ठीक करने के लिए आरट आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आँखों में कोई चोट लगने पर या आँखों में कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आरट आई ड्रॉप आँखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती है और आँखों में नमी को बनाए रखती है। आरट आई ड्रॉप में आर्टिफिशियल आंसू होते हैं जो हमारी आँखों में नमी को बनाए रखते हैं और आँखों में इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। आँखों की लेसिक सर्जरी या कैटराक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आँखों में सूखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए आरट आई ड्रॉप को डालने की सलाह दे सकते हैं। आँखों में सूखापन होने पर आँखों में जलन होना, आँखों में दर्द होना, आँखों का लाल होना, आँखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाना, आँखों में भारीपन महसूस होना, आँखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आँखों में थकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आँखों में या आँखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव होना आदि लक्षण आँखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में आरट आई ड्रॉप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालने के बाद आँखों की दृष्टि कुछ समय के लिए धुंधली हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालने के बाद आँखों में जलन, खुजली और आँखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आरट आई ड्रॉप को बंद करने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरट आई ड्रॉप को कितनी बार आँखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर आरट आई ड्रॉप को दिन में 2 से लेकर 3 बार आँखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन आरट आई ड्रॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालने के बाद आरट आई ड्रॉप के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और आरट आई ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है। आरट आई ड्रॉप प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी आरट आई ड्रॉप का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को आरट आई ड्रॉप को आँखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका आरट आई ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।